गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द लाइफ ऑफ ट्रॉपिकल रीजन एंड अबाउट अमेजन बेसिन. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो अबाउट द अमेजन बेसिन, अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ ऑफ अमेजन बेसिन. ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सब ट्रॉपिकल रीजन and especially about the Ganga and Brahmaputra region. ठीक है, you know that Ganga and Brahmaputra basins lies in our country, north of our country. Okay, let's see about the Ganga and Brahmaputra basin. The Ganga and Brahmaputra basin situated in India. Ganga Brahmaputra basin हमारे देश में situated है. Afford the most typical example of subtropical region or monsoon region. हमारे जो गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन है, आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन है जो गंगा जी उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश से होकर के बिहार और फिर वेस्ट बंगाल से होते हुए ये फ्लो हो जा रही हैं बे ऑफ बंगाल में. ब्रह्मपुत्र रिवर उधर से आसाम और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकल करके यू टर्न लेती है नामचा बारवा माउंटेन, जो कि नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश में होता मिलता है. अब नाइन्थ क्लास में डिस्कस करोगे, आपको देखने को मिलेगा, बट डोंट वरी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बेसिन पूरा बन रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स का, यही हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जो हमारे नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ले सेट्यूड है. गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इज क्वाइट वेस्ट इन इट्स एक्सटेंट. गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिन है ये अपने में बहुत है, इसका विस्तार है. इज एक्सटेंड अबाउट 2500 किलोमीटर साउथ ऑफ द हिमालय फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट. ईस्ट और वेस्ट से कितना इसका जो एक्सटेंट है, इसका जो फैलाव है, जो दूरी है, वो 2500 किलोमीटर है. इसका जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है लगभग 2500 किलोमीटर का है. हिमालय फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट इंक्लूड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल और आसाम का जो ब्रह्मपुत्र रिवर का होता है. दिस बेसिन इज हॉट समर विथ एबंडेंट रेनफॉल एंड वार्म विंटर. ये जो रीजन है, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन है, ये बहुत हॉट समर के साथ और एबंडेंट रेनफॉल के साथ यहाँ पर हमें इस चीज को एक्सपीरियंस हमें मिलता है. ठीक है, वेदर का. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो दुनिया के मोस्ट फर्टाइल उर्वरकीय वाले सॉइल या एरिया का एक, ये भी एक बेसिन है. ठीक है, इट इज ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल एबंडेंट वाटर सप्लाई. ऑल टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन हियर. यहां पर सभी प्रकार की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. लगभग फूड ग्रेन लाइक व्हीट, राइस, ईटीसी एंड कमर्शियल क्रॉप लाइक सुगर केन, कॉटन, जूट आर अबेंडेंटली कल्टिवेटेड हियर. मोस्ट फर्टाइल होने के नाते लगभग जनरली जितनी भी क्रॉप्स होती है उनका प्रोडक्शन होता है व्हीट, राइस, मेज एंड कमर्शियल क्रॉप में, जिसको हम सुगर केन, जूट, कॉटन, इन सबका प्रोडक्शन हमारे इस नॉर्थ, हमारे जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है इसमें होता है. आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल में हम कॉटन जूट का प्रोडक्शन करते हैं, हमारे जो नॉर्थ इंडिया जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है पूरा, ये पूरा जो बेसिन है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा एक फर्टाइल एरिया है. एक्चुअली में जो फर्टाइल एरिया है बेटा, ये जो ब्रिंग डाउन हुई है रिवर गंगा के द्वारा सिल्ट और नॉर्दर्न प्लेन बना है, और इधर ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा बेसिन से लाई हुई जो आसाम का मैदान और हमारा गंगा का मैदान, गंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्रा रिवर का प्लेन, ये मोस्ट फर्टाइल है. एलोबेल सॉइल यहाँ पर पाई जाती है. ठीक है, जलोढ़ मृदा के नाते मोस्ट फर्टाइल है वर्ल्ड में, और इसके नाते यहाँ पर व्हीट, राइस एंड मेजर क्रॉप्स जो होती हैं वो होती हैं. मोर ऑफन टू क्रॉप आर रेयर ड्यूरिंग द ईयर. लगभग दो क्रॉप तो यहाँ पर होती हैं जो प्रोडक्शन जिनका होता है. एज सच द रिवर वैली एंड डेल्टा आर डेंसली पॉपुलेटेड. और इसी तरीके से जो रिवर वैलीज है और डेल्टा के एरिया है बहुत इनमें डेंसली पॉपुलेटेड है. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीपल ऑफ एग्रीकल्चर. यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, कृषि है. लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन, बट सम ऑफ पीपल आर सम
पीपल्स आर एंगेज्ड इन अदर एक्टिविटी लाइक इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशन, टर्शियरी ऑक्यूपेशन लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, क्लर्क एटीसी, ठीक है, सर्विस सेक्टर जिसको सेवा देते हैं, जैसे इंजीनियर सेवा देते हैं, डॉक्टर सेवा देते हैं, लॉयर सेवा देते हैं, टीचर्स क्लर्क सेवा देते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्शन करते हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां भी हैं, और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। माउंटेनियस ट्रैक आर फॉरेस्टेड एंड यील्ड टिम्बर, माउंटेनियस जो ट्रैक्स हैं वो फॉरेस्टेड हैं और बहुत अच्छी लकड़ियों का यील्ड टिम्बर, बॉम्बो, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमें वहां से मिलते हैं। वेर ट्राइबल पीपल रिजाइड इन इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट, बहुत से ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी है जो रिजाइड करती है माउंटेनियस एरिया में, ओके, बट कंपेयर्ड टू द अमेजन फॉरेस्ट दीज फॉरेस्ट आर सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द सब ट्रॉपिकल रीजन और द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन आर नॉट सो डेंस एंड हेंस आर मोर यूजफुल। जिस तरीके से गंगा अमेजन बेसिन में हमने स्टडी किया था कि वहां के जो फॉरेस्ट हैं बहुत ही डेंस हैं, प्रिसिपिटेशन रेट बहुत ज्यादा है, इसके नाते वहां पर डेंस है, कंपैरिजन टू अमेजन बेसिन द फॉरेस्ट इज नॉट मोर डेंस इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। मोर ओवर इसके अतिरिक्त ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अमेजन बेसिन, हम देखते हैं कि अमेजन बेसिन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार बन पाए जाते हैं, आर जनरली एवरग्रीन जो कि जनरल, लेकिन व्हील ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन सब ट्रॉपिकल रीजन लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन हु शेड देयर लीव्स पीरियडली। लेकिन अगर हम उसी को देखें तो हमारे जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है वहां पर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि हमने इसके पहले की वीडियो में हमने लाइफ इन डिजर्ट्स को पढ़ा था, सहारा डिजर्ट्स, मैं बार बार बता देता हूँ आपको जो पहले हमने स्टडी किया, जिससे आपके अंदर एक सीरियलिटी बने रहे कि वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर अबाउट द लाइफ ऑफ डिफरेंट रीजन्स, वी हैव स्टडीड अबाउट सहारा डिजर्ट एंड लद्दाख कोल्ड डिजर्ट एंड हॉट डिजर्ट, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अमेजन बेसिन ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन। आप देख सकते हैं कि गंगा रिवर किस तरीके से हमारे उत्तराखंड से निकल करके गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख से निकल करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन्ड हो जाती है। उसी की ईस्ट से अगर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जो कि तिब्बत के मानसरोवर के बगल में चेमादुंग ग्लेशियर है, चेमादुंग ग्लेशियर से वेस्ट वार्ड फ्लो होकर के और नामचा बारवा माउंटेन से टर्न होकर के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेकर के आसाम के प्लेन से होते हुए फिर ये गंगा जी से मिल करके और फिर क्या हो जाती है, ड्रेन्ड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो पूरा बेसिन बनता है दिस इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल बेसिन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑल्सो एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन एंड टर्शियरी लाइक टीचर, क्लर्क, इंजीनियर, डॉक्टर, एटीसी, ठीक है। इफ वी सी द वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट हियर, फॉरेस्ट वी फाइंड द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट एंड वी बट इन अमेजन बेसिन वी फाइंड द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है बेटा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रास लैंड, ठीक है, टेम्परेट ग्रास लैंड, ओके, थैंक यू।